व्यूअर्स, ये है हमारा आज का नाश्ता माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओ माय गॉड, मेरा इयररिंग किधर गया? ओह नो, मैंने आप भी कैमरे में देखा। बाहर भी गई, हर जगह गई, लेकिन कूड़ा तो मैंने अपने हाथों से उठाया था, उसमें कुछ भी नहीं था ना। आई थिंक सुबह मैं अपनी पुरानी वीडियो चेक करती हूँ, जब मैं पहले वीडियो मैंने स्टार्ट की थी उस वक्त था मेरे कानों में या नहीं था। अभी मैं चेक करती हूँ, फिर मैं ढूंढती हूँ। ओह माय गॉड, नई टेंशन बन गई है। तो व्यूवर्स, मैंने अपनी पुरानी वीडियो जो जहाँ से मैंने इस व्लॉग का स्टार्ट लिया था वो चेक की, उस पर भी मेरा इयररिंग सुबह से नहीं है मेरे कानों में और मुझे अंदाज़ा नहीं है। अब पता नहीं ये रात को गिरा या कब गिरा, बिकॉज़ मुझे बेडशीट से भी नहीं मिला। इसका मतलब है इसके लिए मुझे एक अलग ऑपरेशन करना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं तो बाहर भी गई गारबेज फेंकने के लिए, उधर लॉन्ड्री एरिया में गई, लेकिन उससे पहले का ये मिसिंग है। जब मैंने अभी वीडियो चेक की है, जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी उस वक्त भी ये मेरे कान में नहीं था। इसका मतलब है बेडरूम में ही कहीं होगा, बिकॉज़ बेडरूम से निकल के मैं यहाँ पे आई थी। तो अभी मैं इसको आराम से ढूंढूंगी, पहले मैं बच्चों को शावर करवा लूँ, वो बाहर पानी में वेट कर रहे हैं। तो फिर जो है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि घर के अंदर ही होगा, मिल जाएगा। हाल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मेरा फ्लोर जो है वो बिल्कुल चमक उठा है, देख सकते हैं आप। तो चलो टेंशन मेरी, पहले भी पिछले महीने ना ये मेरा ब्रेसलेट गुम हो गया था और मुझे 2 हफ्ते के बाद मिला था। आई एम श्योर कि ये भी मिल जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वेलकम, क्या रह गया, बच्चों को शावर करवाना है, खुद शावर करना है, किचन साफ़ करना है, ठीक है। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी जो है ना वो भी आ जाएंगे शाम तक। अल्लाह इधर अभी खेल रहे हैं, अब इनको शैम्पू से शावर करवाती हूँ। Okay. You so happy? Yes. Let's take a shower. No, मैंने और भी काम करना है बेटा, आप लोग इधर पानी में बैठे रहोगे फिर। मामा चेक इट आउट। लो जी, यूसरा तो हो गई है फ्रेश, इसको अभी दे देते हैं दूध माशाल्लाह। और ये अभी देखेगी टीवी आराम से, और मैं जो है ना वजदान को शावर करवा लेती हूँ इतनी देर में। फ्रेश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
बच्चे फ्रेश हो जाए ना तो फिर आधा काम हो जाता है, घर भी क्लीन हो गया, बस अब बर्तन रह गए हैं। एक्चुअली अभी मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट, आई मीन थोड़ी देर बैठूँगी, रिलैक्स करूँगी, फिर उसके बाद जो है ना मैं किचन स्टार्ट करूँगी और साथ साथ मैं अपना इयररिंग भी ढूँढूँगी। मुझे पूरा यकीन है कि घर के अंदर ही होगा, इंशाल्लाह मिल जाएगा अगर नसीब में हुआ तो। तो फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो व्यूअर्स अभी मैंने कर लिया है शावर और तो ये एयरपोर्ट से घर के रास्ते पे हैं, तो मैंने सोचा कि वजदान को पहले कुरान पढ़ा लूँ, फिर बस किचन ही रह गया, बर्तन और वो वॉश कर लूँगी। तो इयररिंग जो है अभी तक मुझे नहीं मिला, वो भी मैं साथ साथ ढूँढूँगी, आपको बताऊँगी ज़रूर, अगर मुझे मिल गया आप लोग भी दुआ कीजिएगा। और अभी पढ़ाते हैं वजदान को कुरान, बिकॉज़ जब बाबा आ जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा, फिर इसने जो है ना कुरान नहीं पढ़ना, तो मैं इसको जल्दी से कुरान पढ़ा ले। मत वो एयरपोर्ट से लिया, चलो आऊज बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो कहाँ से पढ़ना था हमने आज, चलो बिस्मिल्लाह। आज आपने क्या कहाँ से पढ़ना था, यहाँ से सिराजन जा के बाद अली फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा, ज़ाबुन अज़ाबुन अज़ाबुन अलग ताऊज़ वन। ओके ये वाला हैंड यूज़ करो, ये वाला हैंड। ओके उस सुन दिस आ तो अन शाबाश माशाल्लाह। नेक्स्ट ज़ू वो गो सा अन शाबाश माशाल्लाह। यस ऐसे चलो, गिरेगा गिरेगा, मैंने बोला ऐसे सीधे तरीके से बैठो। औजु बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रहीम रहीम। शाबाश आगे ला इलाहा शाबाश बच्चों की भी सुननी पड़ती है। अभी युसरा कह रही है वॉकिंग के लिए जाना है, ये बेचारी दो दिन से बाहर नहीं निकली, तो अभी मैं थोड़ी वॉक करवा कर लाती हूँ। वेट युसरा, गिव मी पेन। चलो ये बच्चे लगता कैद हुए। You stay with him. I bring your bag, not a bike. Wait, Yusra, wait. New year, right? Remember? Learn slowly. Yusra is pushing you. Okay? Yusra ka favorite gate hai ye. Yahan pe khel rahi hai. Maa, main kitne? Mausam bahut acha. Main bhi thodi bahar aake fresh ho gayi. Maa, look at my. Yeah. My car is moving. You know, it looks like that. सो व्यूअर्स हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफ़ी फ्रेश फील कर रही हूँ मैं बच्चों के साथ, बच्चे भी खुश हैं। तो इसके बाद जो है व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, इससे आगे का जो व्लॉग है वो आपको पार्ट टू में मिलेगा, बिकॉज मैंने घर जाना है, डिनर की तैयारी करनी है, उसके बाद मैंने किचन के बर्तन धोने हैं और
उसके साथ ही मैं आपके साथ पार्ट टू में शेयर करूंगी कि जो पाकिस्तान स्कूल जाता है तो हमारी रूटीन तब कैसी होती है और पाकिस्तान से हमारे लिए क्या कुछ गिफ्ट्स आ रहे हैं, वो भी आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। आई एम श्योर कि आपको आज की मेरी स्ट्रगल जो है वो आप उसको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे, बिकॉज काम करना एक अलग स्ट्रगल होती है और वीडियो बनाना एक अलग स्ट्रगल होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑफ स्क्रीन चल रही होती हैं और बहुत सारे कुछ चीज़ें ऑलमोस्ट 70% चीज़ें तो मैंने ऑन स्क्रीन आपको दिखाई हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और मैंने पहले भी बताया कि इस तरह की वीडियो जो है वो मैं इसलिए बनाती हूँ कि मेरी तरह की और भी जो मदर्स हैं जो कि अकेली अब्रॉड में बच्चों के साथ रह रही हैं उनको भी मोटिवेशन मिले, उनको थोड़ा सा क्या कहते हैं हौसला मिले कि वो अकेली नहीं हैं जो कि इतनी स्ट्रगल करती हैं। काफ़ी सारी ख्वातीन ऐसी हैं जो कि अब्रॉड में स्ट्रगल करती हैं, अपने काम भी करती हूँ, अब देखे मैं साथ घर भी मैनेज कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, लेकिन बस थोड़ा सा चीज़ों को पॉजिटिव लेना पड़ता है। जब बच्चों की तरफ देखो, घर की तरफ देखो तो आपको एनर्जी काफ़ी मिलती है। तो आई एम श्योर कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।